एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, जो हम छोड़ के जाता है वही आता है. सो वी विल नॉट लीव एनीथिंग एंड वी विल डू एवरीथिंग वॉट एवर लाइकली टू कम इन द एग्जामिनेशन. द एंटायर सिलेबस विल बी डूइंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, प्लीज गो टू द प्रॉब्लम नंबर 24, पीडीएफ पेज नंबर 10. प्रॉब्लम नंबर 24, पीडीएफ पेज नंबर 10. प्रॉब्लम नंबर 24, पीडीएफ पेज नंबर 10. ओके राइट. The income and expenditure account of the repos club is given as follows. Income and expenditure diya hai on 31st December 2008. Adjustments were made, subscriptions, opening subscriptions, and subscription paid in advance, subscription paid in advance, subscription 2008 unpaid, and sundry assets. At the beginning of the period, 26,000 sundry assets, after depreciation, 27,000 at the end of the period. Cash balance on 1st January 2008 is 1,600. Okay. Right. Let us go for one by one here. पहले तो सबसे पहले हम subscription account बनाएंगे. तो subscription इसमें दिया income and expenditure account पे दिया है 20,000. इनकम साइड पे दिया 20,000, मतलब आपका इस पूरा साल का ड्यू है. फॉर द ईयर 2008 द ड्यू इज कितना है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 20,000. ओके, सब्सक्रिप्शन फॉर 2007 अनपेड, सो टू ओपनिंग outstanding subscription brought down कितना है 2,000. Received during the year out of which was 1,800. तो यहाँ by reception payment account. तो हमारा 2007 के लिए इस साल पे कितना मिला है? मिला है 1,800. ठीक है, right. Subscription paid in advance at the beginning of the year 500. So by advance subscription brought down 500. Okay, right. Next, subscription paid in advance at the end of the year 400. So two advance subscription carried down 700. मतलब आपको 2009 के लिए मिला है 700. राइट, सन्डी एसेट्स एट द बिगिनिंग, ये तो सारे इंफॉर्मेशन. सब्सक्रिप्शन 2008 अनपेड इज 700 फॉर 2008, अनपेड एट 2008 दे से. सो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैरी डाउन. फॉर करके नहीं दिया है, एड करके दिया है, मतलब तो टोटल है. टोटल आउटस्टैंडिंग इज 700. सो इसमें 2007 के लिए 200 होगा, 2008 के लिए 500 है, क्योंकि एज ऑन क्लोज ऑफ 31st December 2008 वी डिड नॉट रिसीव 700. तो उसमें अभी देख लीजिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2007 के लिए 2,000 था, उसमें से 1,800 आपको मिल गया है. कितना नहीं मिला है? 500 नहीं मिला है. कितना नहीं मिला है? 200 नहीं मिला है. 2000 पे 1,800 मिल गया, पिछले साल के लिए 200 नहीं मिला है. टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इज 700, पिछले साल के लिए उसमें नॉट रिसीव 200, तो इस साल के लिए नॉट रिसीव 500 है. सो टोटल 700 रुपीस हो गया. ओके, 700 रुपीस हो गया, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा. तो ये है 22,700 कितना हो जाएगा? 22,700 माइनस 1,200, यू गेट 21,500 माइनस 18,000 माइनस 700. सो
2008 के लिए आपको मिला है ₹19,000। दैट्स इट। तो टोटल इस साल पे हमको मिला है 21,500। सो सब्सक्रिप्शन क्या आ जाएगा? ₹21,500। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? ओपनिंग कितना है? ओपनिंग इन्होंने बताया है कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 1600। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1600, ये ओपनिंग कैश है, राइट? सब्सक्रिप्शन हो गया, बाकी क्या है? एसेट्स दिया है 26,000, ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स कितना है? ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज गोज टू ऑपोजिट साइड। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट दिया 26,000, एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट इज 26,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन कितना दिया है? 27,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमको आ जाएगा कितना है हमारा, कितना है हमारा डेप्रिसिएशन कितना है करके पता चल जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे दिया है डेप्रिसिएशन 3,000। सो बाय डेप्रिसिएशन 3,000, ये टोटल हो गया है 30,000। सो 30,000 टू रेसिस्टेंट पेमेंट अकाउंट, ये क्या है 25 बैलेंसिंग फिगर है, 4,000 रुपीज वो यहां जाएगा बाय सन्ड्री एसेट्स। बस खत्म हो गया, इसको क्लोज कर लीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, सैलरीज है, इसको ये ले लीजिए। सैलरीज कितना है भाई? सैलरीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ले लीजिए। सो भाई सैलरीज, सैलरीज ऑफ 17,500 एंड जनरल एक्सपेंसेस, भाई जनरल एक्सपेंस, भाई जनरल एक्सपेंस 5,000। देन डेप्रिसिएशन हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गया, डोनेशंस, टू डोनेशंस, डोनेशंस कितना है 10,500। बस खत्म हो गया, इसको क्लोज कर लीजिए। यू बी गेटिंग हाउ मच इज क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा। ये टोटल हो गया है 1600 प्लस 21,500 प्लस 10,500 कितना हो गया? 33,600। 33,600 बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश बैलेंस बैलेंस होगा माइनस 4,000 माइनस 17,500 माइनस 5,000 ना हो गया बैलेंस होगा 7,100 आपका पास कैश बैलेंस होगा। ओके सो दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस। समझ में आ रहा है आपका? उन्होंने रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा है, हम वर्किंग नोट पे सैलरी एसेट्स अकाउंट बनाया। रीजन ये है कितना परचेज किया वो फाइंड आउट करने के लिए we have prepared the sundry assets account, because they have given opening balance, closing balance of the sundry assets,
Depreciation we have taken from income and expenditure account. It is given as 3000. Then we have closed the account. Balancing figure हमारे लिए मिला है debit side पे. So that is, what is that? That is the purchase. Okay. So that we have taken. The rest is in payment account purchase 4000 लिया है. Normal item. Income and expenditure account पे वैसे हाल ही है. Then we have closed it. We have got the closing balance as 7100. Hope everyone got it. सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी. Getting it? Okay. Right. बाकी लोग. Rest of the people getting? Okay. Right. Now this is also our examination question, another one, that is problem number 25, same page. So this is important problem. Okay, so question number 25 and PDF page 10 and 11. Yes, let us go for the problem. Income and expenditure दिया हुआ है, नीचे पैराग्राफ पे दिया है प्रिपेयर रिसर्स एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2008. अदर इंफॉर्मेशन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सारे दिया है. सैलरीज भी दिया है, ऑडिट फीस का दिया है. प्रीपेड इंश्योरेंस 31 December 2008 इज 120. द क्लब हैड ओन ग्राउंड्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एंड द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 31 December 2007 एंड 31 December 2008 आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 5,200 and 5,400 respectively. Okay. In 2007, the club had raised a bank loan of 4,000, which was outstanding throughout the year 2008. On 31st December 2008, cash in hand was 3,200. Closing cash diya. Okay. So, hum kya karna hai? Receipts and payment account. Reception payment account as on close of 31st December 2008. Payments. Okay. Then balance sheet banana. Balance sheet as on close of 31st December 2008. Liabilities. Booking note. हमारे लिए क्या क्या चाहिए? We will be preparing opening balance sheet. Balance sheet. Asset. 1st January
2008. Just a minute. Sorry, friends. Let's proceed. Okay, this is the opening balance sheet. So liabilities, assets, then we need T4 accounts. Which are the accounts? We need subscription account and the other accounts also we need to prepare. तो उसके लिए भी आप sufficient जगह बना दीजिए. ओके ये ठीक करना जी. क्या क्या है? ओके तो सम ऑफ द अकाउंट्स ब्लैंक अकाउंट्स यू हैव प्रिपेयर्ड. तो वन ऑफ द अकाउंट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ओके जो भी अकाउंट चाहिए हम प्रिपेयर करेंगे फिर. राइट सो वी हैव प्रिपेयर्ड रेसेशन पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स वगैरह. हम कहाँ बनाएंगे? हम बनाएंगे इन द वर्किंग नोट. ओके अभी जाइए. इसमें दिया है सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे 15,000 दिया है. सो इसमें कर लीजिए टू टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये तो टोटल ड्यू फॉर द करंट ईयर. टोटल ड्यू हाउ मच इज दिस? 15,000. ओके फिर एडजस्टमेंट आ जाइए. एडजस्टमेंट भी दिए है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 1200. सो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ब्रॉट डाउन 1200 एंड बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैरी डाउन कितना है करके देख लेंगे. ओके रिसीव इन एडवांस. सो ओपनिंग एडवांस बाय ओपनिंग एडवांस ब्रॉट डाउन बिकॉज इट इज लाइबिलिटी टू क्रेडिट बैलेंस आर 900. क्लोजिंग टू क्लोजिंग एडवांस कैरी डाउन 540 एंड आउटस्टैंडिंग एट सो 1500. टेक इट इन द रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200 एंड ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 900. इसमें है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500 1500 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 540. Okay, right. Now we will close it. We will be getting what is we have received during the year by receipts and payment account. ये हो जाएगा आपका balancing figure. Okay, ये कितना आ जाएगा? ये 1500 plus 1200 plus 540 टोटल हो गया है 16,740. 16,740 माइनस 2400 इज 14,340 हम करंट ईयर पे रसीद गए. सो
ये आ जाएगा हियर टू सब्सक्रिप्शन, सॉरी ये तो बैलेंस शीट है, टू सब्सक्रिप्शन। So we have received during the year 2008 14,340. So by making the subscription account, we have done that. So first adjustment is over. Second adjustment for salaries. Okay. So salary ka account open karne ka zarurat nahi, lekin open kar liya koi baat nahi, use kar lijiye salaries by outstanding salary, opening outstanding salary brought down. Kitna hai? How much is that opening outstanding salary? 800. By closing outstanding salary, carry it down. How much is that closing balance? Is 900. Go to income and expenditure account. Wahan dekhiye salaries and wages. So by income and expenditure account. By income and expenditure account कितना दिया है 9,500 income and expenditure account पे दिया है, इसको क्लोज कर लीजिए। कितना हम इस साल पे पे किया है सैलरी एंड वेजेस वो मिल जाएगा, सो 9,500 प्लस 800 10,300 माइनस 900 रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट balancing figure 9,400। ये आ जाएगा कहाँ? रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट पे आ जाएगा बाय सैलरीज एंड वेजेस 9,400। और बैलेंस शीट में भी लेना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 900, आउटस्टैंडिंग सैलरी 900, then opening outstanding कितना था, sorry ये है closing, यहाँ है outstanding salary, closing outstanding salary 900, opening outstanding salary 800। हो गया, salary भी हो गया। Go for the next one, next item audit fees, audit fees ठीक है, ऑडिट फीस। सो बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ब्रॉट डाउन टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैरीड डाउन, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वॉस 200, तो ठीक है। आउटस्टैंडिंग द फीस फॉर 2008 आउटस्टैंडिंग ठीक है, बट 2008 ऑडिट फीस फॉर 2007 वर पेड 400 ठीक है, राइट। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना मालूम नहीं है, देख लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना पे किया है, कितना ड्यू है इसमें तो लिया है, सो ऑडिट फीस लिया है 500। सो बाय रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट वो 500 पे किया है, इन दिस करंट ईयर के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है इसको टोटल कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द बैलेंसिंग फिगर ठीक है, इन 900 सॉरी So by income and expenditure account, income and expenditure account they have given as for the current year 500, so total is 900 to reception payment account, will be 400 will be there, whatever is there for the previous year that is paid,
Current year is still outstanding. That is what they said. Previous year. Previous year. Wait. ये है गिवन. करंट ईयर ऑडिट फीस इज आउटस्टैंडिंग दफोर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी इज ₹500. ठीक है, ये तो हम यहाँ करेंगे. बाय ऑडिट फीस 200 सब्सक्रिप्शन. तो सैलरी पेड 9,400 का दिया या ये नहीं. बाय सैलरीज नाइनटी फोर हंड्रेड. इसमें आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी 500. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी पिछले साल का कितना था? 200. ओके, सो ऑडिट फी इज आल्सो ओवर. प्रीपेड इंश्योरेंस इज 120. ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस इज एसेट. प्रीपेड इंश्योरेंस इज 120. इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना दिया है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे हैव गिवन इंश्योरेंस ऑडिट फीस प्रिंटिंग एंड सेलिब्रेशन डोनेशंस डेप्रिसिएशन तो अलग नहीं दिया है. सो इट विल बी कमिंग विद द मिसलेनियस. सो मिसलेनियस एक्सपेंस के साथ आएगा. बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया है यहाँ? इस साल के लिए दिया है 1,000 प्लस 120 प्रीपेड. ये हो जाएगा 1,120. We have taken the prepaid in the closing. Okay, right. Audit fees भी हो गया, prepaid insurance भी हो गया. Now club had won the ground ₹20,000. ठीक है, कौन सा तारीख? तारीख नहीं दिया. 31 दिसंबर 2007. So यहाँ हम लेना है. What is that ground? ग्राउंड ₹20,000 ओपनिंग है. यहाँ ले लीजिए भाई सैलरी सैंडविचेस. यहाँ गलती से कर लिया. सो यहाँ ग्राउंड 20,000 देख लीजिए. कोई प्रॉफिट या मतलब डेप्रिसिएशन उसके लिए नहीं आया. देखना ऑडिट फीस प्रिंटिंग स्टेशनरी इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सरप्लस बस कुछ नहीं आया. सेल भी नहीं है, परचेज भी नहीं है. सो दिस विल बी रिमेनिंग इन द क्लोजिंग ऑल्सो सेम. ठीक है, राइट. तो ओपनिंग में भी ये आ गया, क्लोजिंग में भी आ गया. ठीक है, सर्विस एंगेज में भी आ गया, राइट. देन द नेक्स्ट इज इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2007 31 दिसंबर 2008 इज इतना इतना. ठीक है, राइट. हम कैसे करेंगे इसमें? इक्विपमेंट इक्विपमेंट क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस दे है गिवन इक्विपमेंट क्लोजिंग बैलेंस इज 5,400 प्लस डेप्रिसिएशन. तो आपका क्रेडिट साइड टोटल आ जाएगा. डेप्रिसिएशन वी विल बी गेटिंग फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और डेप्रिसिएशन इज हाउ मच? डेप्रिसिएशन यहाँ दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
Sports equipment. So depreciation on sports equipment is given 600. So total हो गया है 6000 minus opening balance. How much is opening balance? Opening balance of sports equipment is 5200. So ये हो गया है 25 of स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. आप अकाउंट बना के भी कर सकता है. सो दिस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट closing balance is 5400. In this sports equipment opening balance sheet 5200. Okay, sports equipment is over. The next, in 2007 the club had a bank loan of 4000 rupees. So here it will be coming here bank loan of 4000 rupees, which was outstanding in 2008. Okay, yahan bhi ye outstanding hai. Bank loan opening closing balance may be 4000 because it is still outstanding. Bas on 31st December 2008, cash in hand amounted to 3200. So cash in hand closing balance sheet mein इनकॉर्पोरेट कर लीजिए. कैश इन हैंड 3200 हो गया. टेक इट एज अ क्लोजिंग बैलेंस इन द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन 3200 ऑन 31st दिसंबर 2008 करके बोला. राइट, ये हो गया. अभी हम क्या करना है, गो एंड डू द रेगुलर आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Salaries and wages we have done. Miscellaneous expenses we have done. And audit fees over to honorarium. To buy honorarium. Buy honorarium. कितना है 2000. We'll be taking as it is. विल बी ट्रेडिंग एज इट इज. ये तो 2000 आ गया. राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पहले नहीं लिया था. बाय स्टेशनरी कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 900. ठीक है, एनुअल डे सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस इतना है. अनलेस डोनेशंस ये ठीक है, टू donations for annual day celebration. उनको मिला है annual day celebration. कितना मिला है donations for annual day celebration? 2000 था. Expenses कितना है annual day celebration का? 3000 है. ठीक है, by annual day celebration 3000. दोनों हम एसएसएम पेमेंट अमाउंट पे, वो भी हो गया है. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 300. ओके, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. इक्विपमेंट सिक्स डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 600 यहाँ नहीं आएगा, हम अकाउंट पे ले लिया है. सरप्लस यहाँ लेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे. एड सरप्लस कितना है, सरप्लस सरप्लस है 1200. शीट पे कैपिटल फंड के साथ ऐड करना है. सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फी 2, एंट्रेंस फी कितना है, एंट्रेंस फी 500. राइट,
ये दो हो गए, प्रॉफिट ऑन एनुअल डे स्पोर्ट्स रिसिप्स, ये क्या एनुअल डे सेलिब्रेशन 3000 माइनस 2000 डोनेशन, ठीक है ये क्या है फिर एनुअल डे कहाँ है, एनुअल डे सेलिब्रेशन 3000 डोनेशंस भी मिला है, ठीक है डोनेशंस इतना हो गया है हमारा रिसिप्ट टू एनुअल डे रिसिप्ट। एनुअल डे रिसिप्ट एनुअल 3000, फिर एनुअल डे एक्सपेंसेस बाय एनुअल डे एक्सपेंसेस 1500। ओके ये स्पोर्ट्स मीट है, स्पोर्ट्स मीट है एनुअल डे नहीं है, स्पोर्ट्स मीट ये स्पोर्ट्स मीट का है, स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट्स एंड स्पोर्ट्स मीट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स ओके। सो वी हैव डन विद एवरीथिंग, ओके स्पोर्ट्स मीट एनुअल डे सेलिब्रेशन सारे हो गया। नाउ क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट, तो अपने इसमें से इसको क्लोज करने से आपका ओपनिंग कितना कैश था वो मिल जाएगा, क्लोज कर लीजिए 400 प्लस 9400 प्लस 1120 प्लस 800 प्लस 2000 प्लस 900 प्लस 3000 प्लस 300 प्लस 1500 प्लस दिस इज कमिंग 22620 दिस साइड, 22620 माइनस 14340 माइनस 2500 माइनस 3000, ये आ गया आपका ओपनिंग, दिस वन तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन ये है 2780, ये है बैलेंसिंग फिगर। ओके जी, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ जाएगा कैश इन हैंड 2780 प्लस 1200 प्लस 5200 प्लस 20,000, सो वी गेट 29,180, 29,180 माइनस 4,000 माइनस 900 माइनस 800 माइनस 400 करने से ओपनिंग कैपिटल फाइंड यू गॉट 23,080, ये है ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लेके आना है, ठीक है ओपनिंग कैपिटल फंड प्लस 1200 यू एडेड 24,280, ये अभी टैली होना है। प्लस 4000 प्लस 540 प्लस 900 प्लस 500 30,220 माइनस 20,000 माइनस 5400 माइनस 5100 माइनस 120 यस चालीस 30,220। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस,
अगेन में क्या किया है करके आई विल वंस अगेन आई विल रिकलेक्ट हम कहाँ से शुरू किया है, कहाँ एंड किया है, कैसे अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले वी हैव टू ओपन द अकाउंट्स। वी हैव ओपन द अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट? रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, बिकॉज हियर वी हैव टू प्रिपेयर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो वी हैव प्रिपेयर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। वर्किंग नोट पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था, तीन अकाउंट बना के, ब्लैंक अकाउंट बना के हम रख लिया ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा देन वी कैन यूज इट। सो थ्री ब्लैंक अकाउंट्स वी हैव मेड इट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एनी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, विदाउट दैट नो प्रॉब्लम विल बी देयर। दो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमेशा वी हैव टू प्रिपेयर, राइट? हो गया। देन वी आर गोइंग फॉर द प्रॉब्लम, व्हाट द एडजस्टमेंट्स आर देयर। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो वी हैव टेकन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये सारे अकाउंट पे इनकॉर्पोरेट किया। इमीडिएटली हमने कहाँ एक्शन किया है, इवन वी हैव टेकन टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट पे गया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे गया है। ओके, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे हैव गिवन इन द क्रेडिट से सब्सक्रिप्शन 15,000, दैट इज टोटल ड्यू फॉर द करंट ईयर। तो वहां तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज देयर इन द क्रेडिट साइड, वी आर टेकिंग इट इन द डेबिट साइड ऑफ द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन। 13,340 हैव गॉट इट। सो वी हैव मेड द सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड वी हैव क्लोज्ड इट। हमको क्या मिला था? द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट इज द बैलेंसिंग फिगर वी हैव गॉट। द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट The balancing figure we have got it. Okay, so this 14,340 is ये क्या है? This is what is this? This is the balancing figure. Current year what we have received for subscription. So this we have taken to यहाँ profit reception payment account we have taken 14,340. This we have taken. Okay. इसके बाद क्या किया? Then next adjustment was salaries. Salaries we open the account. Outstanding salaries are liability. Any liability opening balance will be coming in the credit side. Balance opening balance always goes to opposite side. So he is a liability. So opening balance comes in the credit side. So 800 opening outstanding, closing outstanding 900. So this we have taken to balance sheet also. Whatever we have current year due, that is income and expenditure account debit side, that is given. So we have taken here 9,500. Total कर लो, balancing figure आपको मिल जाएगा इस साल पे कितना पे किया है। So this 9,400 is the amount paid during the year. ये है balancing figure. This we have taken immediately in the reception payment account. Salaries paid 9,400. फिर इसके बाद एडजस्टमेंट आया था ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस दे हैव गिवन, करंट ईयर पे नहीं किया है, कितना है करके नहीं दिया। व्हाट इज करंट ईयर ऑडिट फीस? दैट वाज नॉट गिवन, बट दे से सर करंट ईयर ऑडिट फीस नॉट पेड। करंट ईयर ड्यू कहाँ से मिलेगा आपको? यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सी हियर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट से दे हैव गिवन 500। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 500, सो दैट वी हैव टेकन द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, देन दे सेड फॉर द प्रीवियस ईयर इट इज पेड, फॉर प्रीवियस ईयर वी हैव पेड व्हाट एवर आउटस्टैंडिंग वाज फॉर द प्रीवियस ईयर दैट इज पेड। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 400, दैट वी हैव पेड 400। सो दिस अमाउंट हैज गॉन टू द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑडिट फीस 400 वी हैव पेड। ओके, 400 वी हैव पेड, सो इट हैज गॉन। ये तो आ गया क्लोज, वी आर क्लोज द अकाउंट एंड द रिस्पेक्टिव बैलेंसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हैड गॉन टू ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद क्या था? दे हैव गिवन फॉर द प्रीपेड इंश्योरेंस, वी हैव डन इट लाइक दैट। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स फर्स्ट यू डू, उसके बाद जो आइटम्स डिस्टर्ब नहीं हुआ है उसको वैसे के वैसे ले लीजिए। We have taken other items in this income and expenditure account.
close this income and expenditure account, we got the opening balance rupees 2780 as the balancing figure. Okay, and this is given, 3200 was given, closing balance was given, opening balance we have found out by closing this, and we have taken this to opening balance sheet. So close karne se aapko mila hai kya mila, you got how much is the opening capital fund, 23,080. So we have taken in the closing balance sheet this amount. Surplus ko iske saath add kiya hai, then we got 24,280. Bas, then you close kar lijiye, you get the balance sheet get tallied. So this is all, we have done it. So it is systematic approach, properly up step by step approach, aram se kar lijiye, then there is no reason why you won't get the answer. Okay, first time आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. सो प्लीज काइंडली फॉलो फॉलो द स्टेप्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ओके फ्रेंड्स, गॉट इट, समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर? हां जी यार, आंसर तो कर दो. ओके आकाश, ओके okay, right. Now then this problem is important problem. You can see that is has been asked in CMA since 83 onwards. This type of problems are asked, very important problems, and this has been asked so many times. Okay, so this is very important. This type of problems are important for the exam. So please एक बार पेन डाउन कर लो. हम तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हम वेरी लिमिटेड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं. ऐसे प्रॉब्लम्स आप पेन डाउन करना है, कम से कम जो प्रॉब्लम क्लास में कर रहा है उसको रिपीट कर लीजिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द एग्जामिनेशन. राइट, वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. प्रॉब्लम नंबर 30, प्रॉब्लम नंबर 30 कौन सा पेज में है, पीडीएफ कौन सा पेज है? प्रॉब्लम नंबर 30 सो हियर दिस इज पीडीएफ पेज. पीडीएफ पेज 12 और 13, पीडीएफ पेज 12 और 13. पीडीएफ पेज 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 30. As usual, क्या करना है? Open the necessary accounts. Open necessary accounts. So we will be opening. A reception payment account. For the year ending. For the year ending. 31st March 2008. Okay.
then closing balance sheet, about 10 lines. तो ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया है। ओपनिंग बैलेंस शीट उससे थोड़ा छोटा बना लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, देन अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स रुपीस नीड टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, कम से कम 3 अकाउंट तो हम बनाना है। अकाउंट्स को बना के ब्लैंक। हैव 3 अकाउंट्स राइट। सो ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ये क्या है? दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट कौन सा तारीख? 1/4/2007 ओपनिंग बैलेंस शीट। सो लाइबिलिटीज एंड असेट्स। सो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। Balance sheet as on close of 31st March 2008. Okay. Assets, liabilities. Okay, we have done this. This is implemented. This is receipts. Payments. हाँ जी सर, हम सारे अकाउंट ओपन करके रख लिया। सो मेन अकाउंट क्या है? मेन अकाउंट दो चीज है, क्या क्या है? देयर इज रेसिस एंड पेमेंट अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये है मेन अकाउंट, बाकी सारे वर्किंग नोट पे हम बना दिया। राइट, नाउ स्टार्ट विद द जो एडजस्टमेंट्स। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स दे हैव गिवन, सो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ब्रॉट डाउन हाउ मच? 2600 बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैरिड डाउन 3700। ओपनिंग एडवांस बाय ओपनिंग एडवांस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटी है, ओपनिंग लाइबिलिटी विल गो टू क्रेडिट साइड। टू क्लोजिंग एडवांस कैरी डाउन, क्लोजिंग एडवांस इज 1500। सो फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यू विल बी गेटिंग व्हाट इज करंट ईयर ड्यू टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Total due for 2007-8.
इनकम एंड एक्सपेंस में कितना दिया, हाउ मच दे गिवन, सब्सक्रिप्शन 68,000 दे गिवन, सो दिस विल बी 68,000 एंड बैलेंसिंग फिगर यू विल बी गेटिंग बाय रेसिट्स एंड पेबिट अकाउंट. यू विल बी गेटिंग द बैलेंसिंग फिगर दैट यू टेक इट टू रेसिट्स एंड पेमेंट. ठीक है राइट, देख लीजिए कितना है यहाँ, 2600 प्लस 68,000 प्लस 1500 टोटल आ गए 72,100. 72,100 माइनस 1000 माइनस 3700, सो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 67,400. इमीडिएटली कहाँ लेना है रिसेप्शन पेमेंट, लीजिए टू सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ है, बैलेंस शीट पे लेना है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3700 एंड क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 1500. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2600, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000. ओके सो सब्सक्रिप्शन इज ओवर नाउ. गो फॉर द नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं. सो हियर व्हिच आर ऑल द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज एंड ऑडिट फीस. तो हम क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है, व्हाट एवर इज, कैसे करेंगे, इफ यू मेक द अकाउंट रेंट अकाउंट क्या आएगा, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ब्रॉट डाउन बाय टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैरी डाउन. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंसेस विल बी देयर एट द डेबिट साइड, सो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये मिल जाएगा टू रेसिस्ट एंड पेमेंट. हम क्या करेंगे, ओपनिंग एडवांस outstanding advance at the beginning, add income and expenditure account, that is total due. Minus closing outstanding carried down, minus closing outstanding, then you will be getting what is paid during the period. तो बस इस अकाउंट को हम फॉर्मेट पे लिए हैं, बस ये हो जाएगा पेड ड्यूरिंग द ईयर. दिस इज हेल्पिंग, सो दिस इज द वे टू डू इट. सो वन बाय वन लेट्स गो फॉर इट. थ्री डिफरेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, एक ही कार्नल फॉर्म पे बनाने में थोड़ा इजी होगा. सो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग उन्होंने क्या दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 500 एंड सैलरीज 1200 एंड ऑडिट फीस 500 1200 500. ओके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सी हियर हाउ मच इज ऑल दीज थिंग्स. सो हियर दे हैव गिवन salaries, salaries they have given 19,500. Okay, salaries 19,500, rent 4500, rent 4500, and printing they have given 750.
ऑडिट फीस हम इसलिए गए, ऑडिट फीस आल्सो 750, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया? दिस इज टोटल इज 8,000, 20,700, 1,250, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 800, 350 एंड 750। सो दिस इज 4,200, दिस विल बी 20,350 एंड दिस इज 500। यहाँ लीजिए, बाई रेंट, बाई सैलरीज, बाई ऑडिट फीस, कितना कितना आ रहा है? इट इज 4,200 4,200, 20,350 एंड 500। एक बार चेक कर लेंगे, सही आ रहा है नहीं आ रहा है करके देख लीजिए। तो ये है हमारा, आया है 4,200, 20,350, यस सही लिया है हम। देन इनकॉर्पोरेट इन द बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये तो ओपनिंग आउट, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,200 एंड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, कितना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस? 500। हियर आल्सो सेम थिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी। ऑडिट फी सर हाउ मच? ऑडिट फी 750, सैलरीज 350 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग इज 800। वे टेक इट राइट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हियर टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया है? ओपनिंग बैलेंस 25,000, बाय क्लोजिंग बैलेंस 24,000 एंड डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 6,000, बाय डेप्रिसिएशन 6,000, 30,000, 30,000, सो टू प्रोसेसर पेमेंट अकाउंट, ये है 25। तो 25 हमारे लिए हो गया है 5,000। दिस वी विल टेक इट टू प्रोसेसर पेमेंट अकाउंट बाय क्या था ये, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। प्रॉफिट या लॉस नहीं है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, ठीक है, बी केयरफुल राइट। अभी फर्नीचर, इसके बाद फर्नीचर, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है? फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस इज 30,000 बाई क्लोजिंग बैलेंस 27,900। हम एक चीज भूल गया, क्या है बताओ, बताइए, एक चीज हम भूल गया अभी, व्हाट इज दैट? हम जो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट पे लेना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस लेना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज 24,000, यहाँ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस 25,000, राइट, हो गया। नाउ गो फॉर द फर्नीचर, फर्नीचर इज 30,000 एंड 27,900, राइट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 3,100, बाय डेप्रिसिएशन
By loss on sale. Loss on sale of furniture. कितना है इसमें दिए हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2500। ठीक है, दोनों ले लिए हैं, अभी क्लोज कर लीजिए। कितना आ रहा है? बुक वैल्यू फर्नीचर सोल्ड टू अस 7000, सो बाय बैंक। ओके, 7000 माइनस 2500 डे सोल्ड फॉर 2500। तो सेल ऑफ फर्नीचर 2500 हो गया, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया है अभी? 3100 प्लस 7000 प्लस 27900, ये टोटल हो गया 38000। रेसिस्टेंट पेमेंट अकाउंट, ये क्या है? दिस इज परचेज, परचेज ऑफ फर्नीचर 8000। इमीडिएटली कहाँ लेना है? रेसिस्टेंट पेमेंट अकाउंट बाय फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर 8000 हुआ, ठीक है, राइट। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी लीजिए। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 27900, ओपनिंग बैलेंस कितना था फर्नीचर? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर वॉज 30000, ये भी ले लिया था। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 150, इंश्योरेंस यहाँ है 500, सो आ जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस बाय इंश्योरेंस। कितना है इस साल का पे किया? 500 एड प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड, प्रीपेड 150, सो टोटल पे किया 650। टेक इट हियर, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये भी हो गया, राइट। सारे ये हो गया, राइट। नीचे आ जाइए, बुक वैल्यू सोल्ड सम, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज 4000। यहाँ एंट्रेंस फी कितना दिया है? एंट्रेंस फी नहीं, पूरा का पूरा कैपिटलाइज किया है। इसमें आ जाएगा कैपिटल फंड एंड एंट्रेंस फी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? ऑन 1 अप्रैल 2000 नो कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट वॉस 15000। बैंक ओडी ब्रॉट डाउन 15000। ओपनिंग बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट 15000। ऑन 31 मार्च 2008 कैश इन हैंड 850। बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड वॉज 850। ये आ जाएगा कैश इन हैंड, एट फिफ्टी, राइट। ओपनिंग कैश का
सारे एडजस्टमेंट हम कर लिया है। नाउ गो फॉर द रेगुलर आइटम्स हियर। सैलरीज वी हैव डन, रेंट वी हैव डन, प्रिंटिंग वी हैव नॉट डन। ओनली रेंट सैलरीज ऑडिट किया है, प्रिंटिंग वी हैव नॉट डन। तो प्रिंटिंग को हम अभी करना है। सो बाय प्रिंटिंग, प्रिंटिंग इज 1, 2, 3, 750। उसके बाद इंश्योरेंस हो गया है, ऑडिट फीस हो गया है, इंश्योरेंस भी हो गया, ऑडिट फीस भी हो गया। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स 3500। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, अच्छा थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होगा फिर। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 350। ये टोटल चेंज हो जाएगा 72,100 + 350 इज 72,450। -2,600 - 1,300 68,350। नहीं, इसमें कहाँ कहाँ चेंज होगा, ये तो चल नहीं गया। जस्ट अ मिनट, ये चेंज नहीं हुआ, ये हो गया है। यहाँ तो दिया है 68,000 दिया है। सो ये 2,600 + 68,000 + 1,500 ये हो गया है 72,100। 72,100 - 3,700 - 350 - 1,000 So received is 67,050. रिटर्न ऑफ का हम कर दिया, राइट। डेप्रिसिएशन थिंग्स एंड ऑल वी हैव डन इट। मिसलेनियस एक्सपेंस हैव वी डन, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं किया है उसको लेना है। बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, कितना मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस इज 14,500। 14,500 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है। सरप्लस इज यहाँ ले लेंगे, एंड सरप्लस 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 इज 17050 17050 हो गया। क्रेडिट साइड डोनेशंस वी हैव टेकन, नॉट नो बाय डोनेशंस, बाय डोनेशंस टू डोनेशंस टू डोनेशंस फाइव थाउजेंड। ओके right, everything we have taken up. Now we can go for closing the balance sheet. Closing balance sheet, you total it, you will be getting the balancing figure, right? So here it is, 30,000 plus 25,000 plus 2,600 is 57,600. -1,000 -500 -1,200
minus 500 minus 15,000. So you get 39,400 is the opening capital fund. Capital fund. Opening is 39,400. So 39,400. Total is 39. Okay, right. Then we close. How much is it? 67,050 plus 4,500 plus 9,000. This total is 80,550. 80,550 minus 15,000 minus 4,200 minus 20,350 minus 500 minus 5,000 minus 8,000 minus 650 minus 750 minus 3,500 minus 14,500. Here 8,100 balance is coming. Therefore, bank, how much bank balance will be the difference? Yeah, bank minus 850. So bank balance is 7,250. So we'll be taking here cash at bank. 7,250. Tally hona chahiye. Okay, right. 850 plus 150 plus 3,700 plus 24,000 plus 27,900 is 63,850. Okay, 39,400 plus 4,000 plus 17,050. 60,450 plus 1,500 plus 800 plus 350 plus 750 63,850. Yes, we have completed this. Ab dekh lijiye abhi kaha se hum shuru kiya, one of the very good problem. And yes, you can see this problem is there in your study material also, I think so. So ye jo bhi hum kiya hai abhi tak, ye sare examination problems hai. So kaise karna hai karke main hum pehle hi discuss kar liya. Are you getting this? Batao bhai. DM? Yes. Okay. Aur baaki log? Kshitij? Okay. It is good. Akash? Yes. Okay. So this is the problems. Kansa type ka problem? When the income and expenditure is given, kaise hum रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, वो तो देख लिया है. अभी द लास्ट टाइप इज देन बैलेंस शीट दी है, या सॉरी, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट दी है, उससे हम बनाना है, क्या बनाना है, वी हैव टू मेक द बैलेंस शीट. रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों दिया है, उसे हम बनाना है, क्या बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, सिंपल सा है. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट को कंपेयर कर लीजिए, जो अमाउंट खाली हो रहा है तो उसको तो कुछ नहीं करना, वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा. जो डिफरेंस है that will go to balance sheet. अभी
For the sake, just for understanding, I'll tell you here PDF page, question number 34. Once I have PDF page, question number 34. मेरे ख्याल से पेज नंबर 15 देख लीजिए, इसमें एक प्रॉब्लम दी है। इसमें देख लीजिए पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 34, जस्ट यू सी दैट, हमारा रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया है 40,000, कैश इन बैंक 40,000 दिया है। ये है पीएनएल इनकम एक्सपेंडिचर में है, नहीं है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाएगा। सिमिलरली जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया है वो तो नहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, तो वो जाएगा बैलेंस शीट पे। और अब देख लीजिए एंटरटेनमेंट 40,000 यहाँ है, इसमें एंटरटेनमेंट 40,000 यहाँ है, इन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट और इनकम दोनों में है, वैसे सेम अमाउंट होगा तो उसको इग्नोर कर लीजिए क्योंकि वो तो यहाँ आ गया है। बाकी जो डिफरेंस है या नहीं आया दैट विल बी गोइंग टू बैलेंस शीट, ठीक है, राइट। गो फॉर द प्रॉब्लम, लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 34, प्रॉब्लम नंबर 34। हाँ जी, गिवन बिलो द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ भारत क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2008, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन 1/1/2008 एंड 31st December 2008। तो इसमें दिया है आपको, क्या दिया है आपको, दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया है, ठीक है, ये सारे दिए। इसमें से हम कैसे इसको करेंगे देख लीजिए, तो पहले अगर किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज काइंडली आप पूछिए, आस्क मी नाउ, अगर कुछ डाउट अभी तक जो किया है उसमें है तो पूछिए। किसी का कुछ भी डाउट नहीं, नो डाउट? डाउट दो टाइप का लोगों का नहीं आता है, एक तो जिसका सब समझ में आ गया, दूसरा है कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा देवियम, अबाउट द एंट्रेंस फी यू आर आस्क्ड, एंट्रेंस फी ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इट इज सेड दैट एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, प्रॉब्लम इट इज नॉट, एंट्रेंस फी इज नॉट कैपिटल आइटम, इट इज रेवेन्यू आइटम, बट वेरी स्पेसिफिकली दे हैव सेड एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, That is 4,000 they have given. So whenever they say capitalized, we have to add with the capital fund. Whenever they say capitalized, हम उस अमाउंट को कैपिटल फंड के साथ ऐड करना है। प्रॉब्लम पे ये दिया है, इट वॉज गिवन एंट्रेंस फी 4,000 इज कैपिटलाइज, दैट मीन्स यू शुड नॉट टेक इट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यू हैव टू टेक इट टू बैलेंस शीट एंड एड विद द कैपिटल फंड। तो हम उसको एड किया है, वी हैव एडेड दैट, देन दैट अमाउंट हैज गॉन टू रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, ओके। तो व्हाट एवर द आइटम विच इज कमिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट विल नॉट गो टू बैलेंस शीट, ऑल दोज आइटम्स आर रेवेन्यू आइटम्स, and items which goes to balance sheet is the capital items. So they say that interest fee is to be capitalized. 4,000 rupees they are given. So we have taken this as a receipt because without receiving that you cannot get the interest fee. Interest fee always will be received. There won't be any outstanding entrance fee. If you don't pay interest fee, you cannot enter into the ground or cinema hall or anywhere. So that amount has been received. Since it is a capital receipt, we have added with the capital fund because problem में ये बताया है consider this as capital fund. Is that clear? Okay.
Anybody else? Any other doubt? Thank you. Welcome. Yes, right. Without name, may I give a right? This is the last type of problem in income and expenditure account. And pakka pakka aega, kam se kam 10 mark aega is area se 10 se 16 mark tak iska weightage. Anything can happen. At least 10 marks you will be getting the question, but generally it comes for 16 marks. On an average, it comes for 16 marks. One full question you will be getting from this chapter. Okay, right. Let us go for the next type. Next type kya hai? When receipts in payment account and income and expenditure account is given. Preparation of balance sheet. So this type of problems. Okay, go for the problem number, PDF page number. PDF page 15, question number 34. PDF page number 15, question number 34. So अब बना दीजिए बैलेंस शीट. As at 1/1/2008 ओपनिंग बैलेंस शीट है. Okay, and balance sheet as on close off 31st December 2008, a closing balance sheet. Okay, right. So first jo hai, there is a opening balance sheet. Second jo hai, there is a closing balance sheet. So cash balance, so balance sheet bhi aayega. Opening cash balance kitna diya hai? 40,000. So cash in bank. ओपनिंग ले लिया, क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग इज 12,800. सो कैश इन बैंक 12,800. हो गया राइट.
Now, just compare the items. Endowment 20,000 कहाँ है? Reception payment account. See it in the income and expenditure account. Income side, any endowment is there? There is no endowment. तो endowment कहाँ जाएगा? It will go to endowment fund. कितना है एंडोमेंट? 20,000. तो ये जाएगा बैलेंस शीट, चली जाएगा बिकॉज इट इज डायर ओनली इन द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, तो ये बैलेंस शीट पे चले जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन 1,02,000. इसमें कितना है सब्सक्रिप्शन? 1,00,000 है. मतलब क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000. दोनों में जो टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंस विल बी इन द बैलेंस शीट. ठीक है, हो गया. फिर एंट्रेंस फी 8,000 है. यहाँ एंट्रेंस फी कितना दिया? 4,000 है. सो कैपिटल फंड के साथ हम उसको ऐड कर लेंगे. कैपिटल फंड ऐड एंट्रेंस फी कैपिटलाइज्ड. आठ हजार था, इसमें 4,000 दिखाया है. सो बाकी 4,000 वी हैव टू क्या करना है? वी हैव टू कैपिटलाइज इट. ठीक है, राइट. नेक्स्ट डोनेशन फॉर बुक्स 13,000. यहाँ कितना है डोनेशन फॉर बुक्स? यहाँ तो नहीं है, तो हम इसको भी लेंगे बैलेंस शीट पे. डोनेशन फॉर बुक्स, स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर बुक्स कितना है? डोनेशन फॉर बुक्स 13,000. सर, हाँ जी, एक्सप्लेन सब्सक्रिप्शन पार्ट अगेन. ठीक है. आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये है, Who has asked me now? कौन पूछा था? सर मी पूजा. पूजा. ठीक है, पूजा जी, आप मेरे क्लास पे भी अटेंड किया है पहले? या सर. ओके जी, लक्ष्मी नगर में, इन लक्ष्मी नगर. पूजा, यस सर. आप लक्ष्मी नगर में मेरा क्लास अटेंड किया था? नो, नो. ऑनलाइन क्लासेस. अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके राइट. यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे कितना दिया है? 1,00,000 2,000 दिया है, सॉरी, रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट पे 1,02,000 डेबिट साइड पे दिया है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे वो क्रेडिट साइड पे चले जाए भाई. रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट 1,02,000. ठीक है, राइट. इधर कितना दिया है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? सब्सक्रिप्शन दिया है 1,00,000. तो कितना ज्यादा मिला है? 2,000 ज्यादा मिला है. तो ये है टू बैलेंस का रीड डाउन, ये हो जाएगा. सो ये है, आप सही बताया. ठीक है, ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000, 1,02,000, 1,02,000. अभी समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग पूजा? यस सर. ओके जी, राइट. आगे बढ़ लें, राइट. अभी तो सब्सक्रिप्शन हो गया है, हम कहाँ तक कर लिया है? डोनेशन फॉर बुक्स. ठीक है, इधर कुछ एक्सपेंसेस फॉर डोनेशन के लिए है? कोई बुक्स खरीदा है? नहीं खरीदा है तो नहीं है, बस खत्म हो गया है, राइट. डोनेशन फॉर बुक्स वी हैव टेकन, हाँ, एज ए स्पेसिफिक डोनेशन करके हम ले लिया है बैलेंस शीट पे, राइट. नेक्स्ट एंटरटेनमेंट 40,000. यहाँ एंटरटेनमेंट 40,000, दोनों टैली हो गया है, कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 7,000. तो
हम फर्नीचर हॉल बनाएंगे। यहाँ इधर कितना दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया है। सेल ऑफ फर्नीचर 7,000 है और बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर 8,000। ठीक है, यहाँ कितना दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कुछ नहीं दिया है। अभी देख लीजिए, फर्नीचर अकाउंट में बना रहा हूँ। ये है हमारा फर्नीचर अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट कहाँ दिया है, इट इज गिवन इन द इन रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेल ऑफ फर्नीचर गिवन इन द डेबिट साइड, यहाँ आ जाएगा बाई रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कितना मिला है, 7,000। लास्ट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी डेबिट साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे मिला है भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना है, 1,000 रुपया। और कोई इंफॉर्मेशन अबाउट फर्नीचर बिल्कुल नहीं है। इस अकाउंट को क्लोज कर लीजिए। इस अकाउंट को क्लोज करने से कितना आ जाता है, 8,000। 8,000 दैट मीन्स टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट पे फर्नीचर एट थाउजेंड। गेटिंग इट, आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी, आई होप एवरीवन गेट राइट। फर्नीचर हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर। सैलरीज 72,000, यहाँ देख लीजिए इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर सैलरीज कितना है, 77,000। मतलब है आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है, 5,000, 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 हो गया राइट। नेक्स्ट प्रोविजन 68,000, यहाँ प्रोविजन कितना है, 60,000। तो कम है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो प्रोविजन क्या होगा, प्रोविजन यहाँ 60,000, यहाँ 68,000 है। सो प्रीपेड प्रोविजन, प्रीपेड प्रोविजन 8,000 हो जाए, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आएगा। ठीक है राइट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ 7,000 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,500। सो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आ जाएगा 500। ओके, देन बैंक क्या है, बैंक इज 10,000। ठीक है सर, बैंक में और कुछ है, ठीक है वो क्या है करके देखेंगे। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं है राइट। बैंक विल कम बैक, ठीक है ये बैंक नहीं है और कुछ होगा। ये क्या है, ऊपर क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट ऑफ कौन सा क्लब, भारत क्लब। ये बैंक नहीं होगा और कुछ होगा, कुछ एसेट होगा। ठीक है राइट। नाउ स्पोर्ट्स मटेरियल 28,000, क्रेडिटर्स 2,007। ओके राइट। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 28,000। पहले आउटस्टैंडिंग था, अभी पेमेंट हो चुका है। और कोई स्पोर्ट्स मटेरियल का एंट्री, स्पोर्ट्स मटेरियल 28,000, क्रेडिटर्स 13,000। ओके 13,000 क्रेडिटर्स, 13,000 राइट। अभी यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 20,000 है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल अभी कितना बच गया है हमारा, 8,000 बच गया है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ आ जाएगा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल
8,000 क्लोजिंग बैलेंस है। एक बार में बना रहा हूँ, स्पोर्ट्स मटेरियल का है, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स ब्रॉट डाउन 13,000, ठीक है। टू रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, कितना है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट? यहाँ दिया है 28,000 प्लस 13,000, 28,000 प्लस 13,000, 41,000 ये हो गया, ठीक है। 41,000 हो गया, राइट। इनकम एंड एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना दिया है? 20,000 दिया है बाय बैलेंस कैरी डाउन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। 41,000, 41,000 ये आ गया 8,000 बैलेंसिंग फिगर, उसको हम बाहर ले लिया, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल का, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया है, क्रेडिटर्स हो गया है, इन्वेस्टमेंट्स परचेज रन 1 जुलाई 2007 19,200, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आ जाएगा 4% इन्वेस्टमेंट्स, तो हमारा कितना है 19,200 को आया एट अ कॉस्ट ऑफ 96 करके दिया है, ओके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ₹100 परचेज्ड एट ₹96, सो 19,200, सो टोटल फेस वैल्यू विल बी 19,200 डिवाइड बाई 96 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 20,000। हम यहाँ शो करेंगे ओनली 19,200 यहाँ शो करेंगे, ओके। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स That will be 20,000 into 4 by 100 into 6 by 12, 6 by 12 कितना हो जाएगा? 800, 400 हो जाएगा। 20,000 into 4% डिवाइड बाई 400 है। आप देख लीजिए अभी रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में कहीं 400 दिया है, दिखाया है? रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट पे हमको 400 मिला है? नहीं मिला है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे दिया है 4% 800, गलत दिया है, कोई बात नहीं। तो मतलब हमारा पहले से एक इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है हमारा 4% इन्वेस्टमेंट, 4% इन्वेस्टमेंट पहले से है 20,000, इसके लिए मिला है। और अभी 20,000 प्लस 1900 19,200 इस बार किया है, तो हमारा ये हो जाएगा 39,200। नहीं तो आपके लिए तो ये 1 साल के लिए तो नहीं मिलेगा, 800 कैसे मिलेगा? आपको तो मिलना चाहिए सिर्फ 400, 800 कैसे मिलेगा? सो देयर वाज 20,000 का इन्वेस्टमेंट, ओके। यहां लिख देता है इन्वेस्टमेंट, ये सपोज नो, यस एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 फॉर
और फुल ईयर 30 रुपीज 800, whereas the investment made on 1/7/2008. That means there was investment for 20,000 at 4% at the beginning of the year also. Beginning of year also. ये आ जाएगा आपका, इसीलिए आता है 39,200, यू गेट इट हियर. ठीक है, सो अक्रूड इंटरेस्ट विल बी, अक्रूड इंटरेस्ट 400 आ जाए. ओके, सो दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट. ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, ओल्ड इन्वेस्टमेंट वी हैव गॉट 800, द न्यू इन्वेस्टमेंट वी हैव नॉट गॉट, सो इट हैज बिकम द अक्रूड इंटरेस्ट. सो दैट इज ओवर 19,200. क्लोजिंग बैलेंस इज 12,800. सो क्लोजिंग बैलेंस हैव वी टेकन, यस 12,800. ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो वी हैव टेकन. नाउ अभी चेकअप द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एनी आइटम्स विच इज देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज नॉट देयर इन द रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट, उसको चेक कर लीजिए. राशन सेल ऑफ फर्नीचर था, कर लिया. सैलरीज वी हैव डन, ऑडिट फीस वी हैव डन, प्रोविजंस वी हैव डन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया है, सब्सक्रिप्शन हो गया है, एंट्रेंस फी वी हैव कैपिटलाइज दैट, एंट्रेंस फी 4,000 हियर, हियर एंट्रेंस फी वाज 8,000. ठीक है, राइट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस वी हैव बिग नोट वी हैव रिटर्न हियर, राइट. देन एंटरटेनमेंट 40,000, 40,000 टैली हो गया है. सो दिस इज द क्या है, लॉस. सो डिफिशियंसी, तो इन द बैलेंस शीट वी हैव टू टेक कैपिटल फाइन माइनस डिफिशियंसी. हाउ मच इज द डिफिशियंसी फ्रॉम पीरियड? 23,700. 23,700 तो कितना आएगा देख लीजिए. सो कैपिटल फंड को यहाँ क्लोज कर लीजिए, विल बी गेटिंग द ओपनिंग कैपिटल फंड 68,000. 68,000, 68,000 माइनस 13,000 इज कैपिटल फंड. ओपनिंग कैपिटल फंड इज 55,000 इज द ओपनिंग कैपिटल फंड, प्लस 4,000 माइनस 23,700 गेट 35,300, प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 7,500, ये हो गया टोटल 75,800. So here 39,200 plus 8,000 plus 8,000 plus 400 plus 12,800 is 68,400. What is the difference here? Minus 75,800. So there is a difference of 7,400. This is the closing balance sheet. There was no furniture, investment 39,200. Cash in balance. Okay. I'll send the whatever the difference is that I will find it out and I'll send it. There is a difference of 7,400.
So what is that? I'll find out and I will be sending. Investments 2007 purchase 2008 में पूरा 4% लेंगे ना, बोथ बैलेंस शीट में शो करना है. हाँ दिया है बोथ बैलेंस शीट, आई हैव शोन विशेष. तो 20,000 पिछले साल का था, 19,200, सो टोटल इज 39,200. दिस पुराना था 19,000, पुराना था 20,000, नहीं था 19,200, सो 39,200 वी हैव टेकन हियर. बट प्रॉब्लम हियर इज they have taken here interest 800 they have taken. That is a the income and expenditure account, they have taken 800 including 800. I'll come back to this problem. Okay. Here in the interest and investment, they are given 800. Okay, on 4,000. So there was investment that they have taken. Even this 400, they are supposed to take it. Okay. So there is a 1st July 2007, they are given here. We are making on. Okay. 1st July 2009, investment purchased on 1st July 2007, but we are making on 31st December 2008. How can it come? It should be 1st July 2008. Okay. The investment jo diya hai, आप उसमें कहीं नोट कर लीजिए, दैट शुड बी 1st जुलाई 2008. इन दैट केस यू विल हैव हियर, कितना आएगा आपका, वन मिनट. सो हियर यू विल हैव ओनली 4% इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अगर 1st जुलाई 2007 है, वो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट 2008 पे आ नहीं सकता है. इन्वेस्टमेंट कोई क्रेडिट पे आपको सेल नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट आपको क्रेडिट पे सेल नहीं करेगा. सो दिस इज 19,200 वी हैव टू टेक हियर, एंड देयर इज नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर, सो हियर इट इज नॉट देयर, हियर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट्स, एंड यहाँ ओनली अक्रूड इंटरेस्ट 400 वी हैव टू टेक इट. जो 800 है देयर इज ऑल्सो रॉ, ठीक है. It should be 1st January 2008, they should have purchased. Then only you'll be getting 800 here. Otherwise, you don't get it because income and expenditure account, current year you will be getting here. Our current year is here 2008. If you are doing, then how do you get the balancing figure here? Achha, 40,000 opening balance did it take? Yes, 40,000. So there is a printing error in the book. So what is that? I will find it out and I'll come back to you. So you will be getting, when this PDF is sent to you, you'll get a clear picture. Okay, I'll check up with the books, other books, the main book, and I shall send you the PDF. Okay. Right. Any other doubt other than this? Any other doubt other than this? This will be 35,000. Only 35,000. Any other doubt? This I'll check it up and I'll listen back. There is a problem, printing error in the book. So I'll find out and I will send you the things. Okay. So 35,000. Plus 4,000. Sir. Yes.
रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंट्रेंस फीस 8,000 है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 4,000 है, तो 4,000 बैलेंस शीट में आएगा रिमेनिंग। तो बैलेंस शीट तो 4,000 तो कैपिटलाइज किया है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे ऐड किया है ना। ये देख लीजिए, ये वाला 4,000 है ना, दिख रहा है जो पॉइंटर दिख रहा है, रेड रेड पॉइंट। यस सर। ये हम ऐड कर दिया इसको 4,000 कैपिटल के साथ। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस इज कैपिटलाइज्ड। Here only the interest, 4% interest, 800 what they have shown, that cannot be, क्योंकि आपने तो invest किया है 2007 जुलाई पे। 2007 जुलाई पे के enter करने से कैसे आपका 2008 पे आएगा, वो तो 2007 पे आना चाहिए। सो देर इज अ प्रॉब्लम, फर्स्ट जुलाई 2007 नहीं हो सकता है, फर्स्ट जुलाई 2008 हो सकता है। अगर वो 8 है तो 800 यहाँ नहीं आ सकता है, ये फर्स्ट जनवरी 2008 हो सकता है। वो क्या है करके देखे, मैं आपको भेज दूंगा इसका, सही करके मैं भेज दूंगा। ओके, सो दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस कमिंग, दैट इज अ प्रिंटिंग एरर इन द बुक। व्हाट इज दैट, आई विल फाइंड आउट एंड आई शैल सेंड यू बैक। एनी अदर डाउट? ओके, द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सब बैलेंसिंग लेजर्स। We are going to start with the sectional balancing and self balancing ledgers. तो ये भी आ जाता है, एग्जाम पे आता है, मिनिमम 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, 5 to 6 मार्क्स के लिए मिनिमम आता है एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए आता है। मिनिमम 5 to 6 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए इस एरिया से क्वेश्चन आएगा एंड पक्का आएगा, बट डेफिनेटली डेफिनेटली सेक्शनल बैलेंसिंग सेल्फ बैलेंसिंग से आता है। तो व्हाट इज दिस सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, हम इन डिटेल विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास। अभी फिलहाल कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे कोई डाउट होगा तो आप पूछिए प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। हाँ जी, सारे चला गया, ओनली 13 पीपल आर देयर। ओके, कोई बात नहीं, जिसका डाउट है प्लीज पूछिए। एनी डाउट एनीवन? ओके ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट मंडे बिकॉज दिस फ्राइडे आई डोंट थिंक वी हैव अ क्लास। सो नेक्स्ट मंडे वी विल मीट and we will be completing the sectional balancing and self balancing, another very important chapter. So we'll be doing that. Chota hai, easy hai, jaldi bhi khatam ho jata hai, samaj mein bhi aata hai. Okay, so that we'll do it in the next class. Namaste, see you in the next class. Good day.